राजगढ़ जिले के ग्राम झपेली में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ। छेड़छेड़ा के दिन सामने आई इस घटना में विवाद हाथापाई तक पहुंच गई और दोनों पक्षों ने एक दूसरे के साथ जमकर मारपीट की। मामले में पुलिस ने 31 लोगों के खिलाफ बलवा का अपराध कायम कर 23 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। 8 लोग फरार चल रहे हैं, जिन्हें गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। जांजगीर चांपा जिले के बलौदा पुलिस ने उन 23 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्होंने छेड़छेड़ा पर्व के दिन हिंसक घटना को अंजाम दिया था। पुरानी रंजिश को लेकर गांव के दो पक्ष आमने सामने हो गए और लाठी डंडे से लैस होकर एक दूसरे पर टूट पड़े। इस घटना में दोनों पक्षों के कई लोगों को चोट लगी थी। इस मामले में पुलिस ने एक पक्ष के 15 और दूसरे पक्ष के 16 लोगों के विरुद्ध बलवा सहित अन्य धाराओं के अंतर्गत अपराध कायम किया था, जिनमें से 23 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि 8 आरोपियों को पकड़ना अभी बाकी है। ग्राम झपेली में छेड़छेड़ा त्यौहार के दिन दो पक्षों में गुटबाजी के साथ में बलवा व मारपीट हो गया था। दोनों पक्ष के कई लोगों को चोटें आई थी। दोनों पक्षों में बलवा का एफआईआर किया गया था, जिसमें एक पक्ष में 16 आरोपी तथा दूसरे पक्ष में 15 आरोपी बने थे। आज 23 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। प्रकरण के अन्य 8 आरोपी फरार हैं। बलवा के तहत उनको विधिवत गिरफ्तार करके विधिवत कार्रवाई किया गया है। बलवा के मामले में पुलिस ने पकड़ में आए 23 लोगों को जेल भेज दिया है। पुलिस ने बताया कि बाकी फरार आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए महेंद्र कुमार के साथ भरत सिंह चौहान की रिपोर्ट।